सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ टॉप 5 मोस्ट डेंजरस प्लेयर्स ऑफ बांग्लादेश सर्वर। तो गाइस आज तक हम लोगों ने अपने चैनल पर बेस्ट इंडियन प्लेयर्स की वीडियो डाली है, बेस्ट नेपाली प्लेयर्स की भी वीडियो डाली है। लेकिन जितने भी हमारे भाई लोग बांग्लादेश से हैं उनके इतने दिन से कमेंट आ रहे थे भाई बांग्लादेश के बेस्ट प्लेयर्स पर वीडियो बनाओ। तो गाइस फाइनली आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको हमारे बांग्लादेश सर्वर के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर से मिलाने वाला हूं। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे प्लेयर्स दिखाने वाला हूँ जिन लोगों ने प्रैक्टिस करके अपना गेम प्ले इस लेवल का कर लिया है। अभी के टाइम में उनकी एक्यूरेसी किसी हैकर से भी ज्यादा खतरनाक है और उनकी मूवमेंट स्पीड राइस्टार और वाइट ट्रिपल फोर से ज्यादा फास्ट है। और गाइस उन बंदों का गेम प्ले देखने के बाद आप लोग भी कंफ्यूज हो सकते हो भाई कहीं बंदा हैकर तो नहीं है, क्योंकि उन बंदों का गेम प्ले इस लेवल का। तो गाइस अपने फोन को आप लोग आराम से लेकर बैठ जाओ और तैयार हो जाओ उन प्लेयर्स को देखने के लिए, क्योंकि आज की ये वीडियो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो आओ फिर हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कराया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। और वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है भाई उस पर चप्पल फेंक कर मारो, जूता फेंक कर मारो, फिर कुछ भी फेंक कर मारो भाई मुझे नहीं पता, बस वो जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो ग्रे हो जाना चाहिए। और भाई थोड़ा आराम से अपना फोन मत तोड़ लेना वरना वीडियो किसमें देखो। खैर मजाक की बातों को हम लोग साइड में रखते हैं और अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे प्लेयर नंबर 5 के साथ, मोस्ट डेंजरस प्लेयर ऑफ बांग्लादेश सर्वर नंबर 5। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर जो बांग्लादेश सर्वर का बेस्ट प्लेयर आता है उस बंदे का नाम है मैडमैन 777। तो गाइस ये जो बंदा है ना वो बांग्लादेश सर्वर का वन ऑफ द बेस्ट क्लैश स्क्वाड प्लेयर है और इस बंदे का क्लैश स्क्वाड का गेम प्ले सच में काफी डेंजरस है। गाइस इस बंदे ने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ 1v1 कस्टम कर रखा है और उन्हें हरा भी रखा है। गाइस इस बंदे के गेम प्ले में सबसे अच्छी बात यह है कि इस बंदे का जो पूरा गेम प्ले होता है वो रियल होता है। इसका मतलब ना ही तो इस बंदे की वीडियो में ज्यादा एडिटिंग वगैरह होती है और ना ही बंदा फेक कस्टम करता है। जितना भी गेम प्ले इस बंदे का होता है वो सभी रियल होता है। इसके अंदर भी भाई ये बंदा काफी खतरनाक हेडशॉट मारता है, उसके अलावा काफी ज्यादा वन टैप मारता है। लेकिन गाइस इस बंदे के गेम प्ले में मुझे बस एक ही चीज की कमी लगी है और वो है थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड। इस बंदे की एक्यूरेसी तो काफी सही है लेकिन इस बंदे की मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी स्लो है। सच में अगर ये बंदा अपनी मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ले तो इस बंदे का जो गेम प्ले है वो एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो चलो फिर इसी बात पर आप लोग इस बंदे का थोड़ा सा गेम प्ले देखो और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं। जो बांग्लादेश सर्वर का बेस्ट प्लेयर आता है उस बंदे का नाम है इट्स कब्बो। गाइस आप में से बहुत सारे बंदे इट्स कब्बो को पहले से जानते होंगे क्योंकि ये बंदा बांग्लादेश सर्वर का एक बहुत फेमस यूट्यूबर है। वैसे तो गाइस ये बंदा अपनी एंटरटेनिंग और फनी वीडियोस के लिए फेमस है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं इट्स कब्बो का जो गेम प्ले है ना वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा खतरनाक था और अभी के टाइम में भी इस बंदे का गेम प्ले काफी बढ़िया है। गाइस जब भी बांग्लादेश सर्वर के बेस्ट प्लेयर्स की बात आती है तो उसमें इस कब्बो का नाम जरूर होता है। ये बंदा बांग्लादेश सर्वर का बहुत ही पुराना लेजेंड है। अब गाइस यहां पर आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको इस बंदे का थोड़ा सा गेम प्ले दिखाता हूं और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं। भाई यूएस पे जीत बनाई से भाई ओ ओ भाई भाई ग्रीन की मिनर रेस्ट इन पीस भाई रेस्ट इन पीस एकदम एकदम और तो जामा का पर लाल हो जाओ और कथा है तब तक ने ग्रीन क्रिमिनल रेस्ट इन पीस भाई शेष भाई शेष कब वायर मशीन है सामने टिकते वार्ता से ओ भाई 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 टिक छोड़ो से भाई ভাই এখনো সময় আছে ভাই ক্রিমিনাল গুলো এখনো সময় আছে ডিভিডেন্ড নিতে পারে ভাই ভাই শেষ ভাই বড় মনে নাইস নাইস। तो गाइस आप लोगों ने देखा इट्स कब्बो का जो गेम प्ले है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और उस बंदे की एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया है और इसी वजह से वो आता है बांग्लादेश सर्वर के बेस्ट प्लेयर की लिस्ट में नंबर 4। तो चलो फिर अभी हम लोग ज्यादा देरी नहीं करते हैं और बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्लेयर की ओर, मोस्ट डेंजरस प्लेयर ऑफ बांग्लादेश सर्वर नंबर 3। तो गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे जो बांग्लादेश सर्वर का सबसे बेस्ट प्लेयर आता है वो बंदा एक टाइम पर पूरे वर्ल्ड में फेमस था और इस बंदे को पूरे वर्ल्ड में MP40 का लेजेंड बोला जाता था। तो गाइस जितने भी बंदे 4 साल पहले से फ्री फायर को खेल रहे हैं उन बंदों को इस बंदे का नाम जरूर पता होगा। तो गाइस ये लेजेंड कोई और नहीं बल्कि द MP40 लेजेंड नईम आलम है, मतलब की गेमिंग विद
नहीं। तो गाइस जितने बंदों को भी नहीं पता उनको मैं बता दूं, गेमिंग विद नईम जो है वही टाइम पर इतना ज्यादा फेमस था और उसका गेम प्ले इतना खतरनाक था कि लोग उसको रॉयस्टार से कंपेयर करते थे। इनफैक्ट ज्यादातर लोग तो ये मानते थे नईम आलम जो है वो रॉयस्टार से ज्यादा खतरनाक खेलता है, क्योंकि गाइस सच में 4 साल पहले के हिसाब से इस बंदे का जो गेम प्ले था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ये बंदा MP40 से बहुत ज्यादा खतरनाक खेलता था। इस बंदे के ड्रैग हेडशॉट, स्ट्रेटेजी गेम प्ले, 1v4 फुल मैप, सभी चीजें काफी ज्यादा फेमस थी। और जिस टाइम पर हम लोगों से एक बंदे को नहीं मारा जाता था उस टाइम पर ये बंदा फुल मैप के अंदर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता था और एक गेम में 20-25 किल करता था, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक बात थी और उस टाइम पर कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं कर पाता था। लेकिन गाइस अफसोस की बात यह है अभी के टाइम में इस लेजेंड को बहुत कम बंदे जानते हैं, क्योंकि इस बंदे का जो गेम प्ले वो ज्यादा फास्ट नहीं है और ये बंदा ज्यादा कस्टम या फिर हेडशॉट वाले क्लिप्स अपलोड नहीं करता है, जिसकी वजह से इसके चैनल पर रिव्यूज भी उतने ज्यादा नहीं आते। लेकिन गाइस आप लोग इस बंदे का गेम प्ले खुद देखो और बताओ ये बंदा कैसा खेलता है। तो गाइस ये जो बंदा है ना वो ज्यादा क्लैश स्क्वाड नहीं खेलता है और ना ही ये बंदा ज्यादा वन टैप का ट्राई करता है। ये बंदा अपने नॉर्मल सा फुल मैप का गेम प्ले करता है और उसी की वीडियोस ये बंदा अपलोड करता है। तो आप लोग बताना आपको इस बंदे का गेम प्ले कैसा लगा। और अभी हम बढ़ते हमारे लेजेंड नंबर 2 की ओर, मोस्ट डेंजरस प्लेयर ऑफ बांग्लादेश सर्वर नंबर 2। तो गाइस हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर जो बांग्लादेश सर्वर का सबसे बेस्ट प्लेयर आता है उस बंदे का नाम है साई। तो गाइस ये जो बंदा है ना वो बांग्लादेश सर्वर का बेस्ट क्लैश स्क्वाड प्लेयर है, उसके अलावा ये बंदा बेस्ट कस्टम प्लेयर भी। और गाइस जब कभी भी बांग्लादेश सर्वर के प्लेयर्स हमारे इंडियन सर्वर या फिर किसी और सर्वर में खेलने जाते हैं तो उसके अंदर ये बंदा जरूर होता है, क्योंकि इस बंदे का जो गेम प्ले है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और ये बंदा वन टैप भी बहुत खतरनाक मारता है। गाइस इस बंदे की जो एक्यूरेसी है वो सच में बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जब भी बंदा कोई भी गोली मारता है तो इस बंदे की कोई भी गोली मिस नहीं होती है और 90% इस बंदे की सभी गोलियां हेड लगती है। और गाइस इसके अलावा ये बंदा कस्टम के अंदर 1v2, 1v3, 1v4 नहीं खेलता है, ये बंदा 1v6 तक खेलता है और उसको भी ये बंदा बहुत ही आसानी से जीत लेता है। एंड गाइस काफी सारे बंदों का मानना तो ये भी है कि साइज जो है वो कोई हैकर है, क्योंकि लिटरली भाई ये बंदा ओनली रेड मारता है। लेकिन गाइस अभी तक ये चीज 100% कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया कि ये बंदा कोई हैकर है या फिर नहीं, इसलिए अभी तो हम लोग इस बंदे को हैकर नहीं बोल सकते। तो चलो फिर अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जहाँ पर इस बंदे ने 1v4 मारा था, वो भी सीजन 1, 2, 3, 4 के प्लेयर्स को। ऐसा नहीं ऐसी 1v4 करा और वो दारा पॉसिबल ही ना, देयर इज नो फकिंग वे। শীতে জিতে तो गाइस आप लोगों ने देखा इस बंदे ने कितनी आसानी से चारों बंदों को वन टैप मार दिया और उन्हें 1v4 के अंदर हरा दिया। इसी वजह से ये बंदा आता है हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 2 पर। चलो गाइस फाइनली भी हम लोग बात करते हैं हमारे लिस्ट के टॉप 1 प्लेयर की, मतलब कि मोस्ट डेंजरस प्लेयर ऑफ बांग्लादेश के बारे में। तो गाइस मैंने बांग्लादेश के काफी सारे बंदों का गेम प्ले देखा और उसके बाद में जो प्लेयर मुझे सबसे ज्यादा डिजर्विंग लगा तो वो ये बंदा है जिसका नाम है शय। तो गाइस इस बंदे का जो गेम प्ले ना लिटरली भाई किसी हैकर के लेवल का है और इस बंदे की जो AWM स्नाइपिंग है वो तो भाई एकदम ही नेक्स्ट लेवल। लिटरली भाई ये बंदा ना AWM से वन टैप मारता है, उसके अलावा ये बंदा SMG गन से भी ओनली रेड नंबर मारता है। और गाइस इस बंदे को पर तो वसीमस टीवी ने भी रिएक्ट कर रखा है। वसीमस आपको पता ही होगा बाहर का यूट्यूबर है और वो भी यही कह रहा था इस बंदे का जो गेम प्ले है भाई वो किसी हैकर की तरह है। तो चलो अभी मैं आपको इस बंदे का गेम प्ले दिखाता हूँ, आप लोग खुद ही देखो भाई इस बंदे का गेम प्ले कैसा है। गाइस आप लोगों ने देखा इस बंदे का गेम प्ले सच में कितना ज्यादा खतरनाक है और इसी वजह से ये बंदा आता है हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे। चलो गाइस यही थे आज के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ बांग्लादेश सर्वर। अभी आप लोग कमेंट करके बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और भी ज्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।